ईंटें पुख्ता हो जाएं, अब उन्हें जोड़ना है, सीमेंट सब्सटेंस चाहिए, वो कुरान है, ये जोड़ेगा तुम। चुनाचे यही बात हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी असीर माल्टा ने अपनी असीरी से रिहाई पाने के बाद वापस जब आए हैं तो देवबंद में उलमा के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करके कही। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह वो खुद मौजूद थे उसमें, बड़े बड़े उलमा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमत, बड़ा मजमा। और कहा हज़रत शेखुल हिंद ने, हमने तो अपनी असीरी के चार सालों के दौरान जितना गौर किया तो हमारी इस वक्त की उम्मत की जबूं हाली के दो सबब सामने आए। मौलाना मुफ्ती शफी लिखते हैं उनकी किताब वहदत उम्मत के नाम से, कहते हैं कि पूरा मजमा हमा तन गोश हो गया कि ये शेखु शुयूख उस्तादुल उलमा उम्र के इस आखिरी दर्जे में इस हद पर आकर अब नया सबक कौन सा सीख कर आया। ताकि हमें तो उसके दो सबब मालूम हुए, एक हमारा कुरान को तर्क कर देना, लफ्ज नोट किए तर्क कर देना, और दूसरा हमारे आपस के इख्तलाफात। चुनाचे मैं तो यही फैसला करके आया हूं कि अब जिंदगी जितनी बाकी है दो ही कामों में लगाऊंगा, एक तो यह कि नाजरा कुरान पढ़ने के मकतब गली गली खुल जाए और आवामी दर से कुरान के जरिए कुरान के पैगाम और कुरान के हिकमत से लोगों को रोशनास कराया जाए। अवामी दर से कुरान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है शेखुल हिंद, जिन्हें मैं 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम समझता हूं। और नंबर दो ये कि आपस के इख्तलाफात को हवाला दी जाए। ये वाकया कोट करके मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब लिखते हैं कि हजरत शेख ने जो दो बातें कही असल में वो एक ही है। हमारे बाहमी इख्तलाफात भी तो इसी वजह से हैं कि हमने कुरान को तर्क कर दिया है।